एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब पति दूर था, पत्नी ने पालने में लकड़ी की एक बड़ी छड़ी रख दी और उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया और गाने लगी। शीघ्र ही उसने देखा कि छड़ी के हाथ और पैर थे। आनंद से भरकर वह फिर से झूमने और गाने लगी। वह लंबे समय तक ऐसा करती रही और जब उसने फिर से देखा तो लकड़ी की छड़ी की बजाय पालने में प्यारा सा लड़का था। महिला ने बच्चे को उठाया और उसे खिलाया पिलाया। वह अब उसका अपना बेटा था। उसने उसका नाम पीटर रखा और पहनने के लिए छोटे छोटे कपड़े दिए और एक टोपी भी बनाई। पीटर बड़ा होकर एक प्यारा सा लड़का बन गया। एक दिन पीटर अपना कोट पहनकर नदी पर मछली पकड़ने के लिए एक नाव में बैठ गया। दोपहर के समय उसकी माँ नदी के किनारे गई और उसे अपने पास बुलाया। पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे ले आओ जरा। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए एक केक लाई हूँ। तब पीटर ने अपनी नाव से कहा, छोटी नाव, थोड़ा पास जाओ, थोड़ा पास जाओ। नाव किनारे तक तैर कर गई। पीटर ने केक लिया और दोबारा मछली पकड़ने चला गया। अब ऐसा हुआ कि एक भयानक चुड़ैल बाबा यागा पास में झाड़ियों में छुपी थी। इसलिए महिला के घर जाने के बाद बाबा यागा ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और फिर वह नदी के किनारे पर गई और वहाँ छिप गई और पीटर को बाहर बुलाया। पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे पर ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा केक लाई हूँ। लेकिन जब पीटर ने उसकी आवाज सुनी, जो बहुत खुरदरी और ऊंची सी थी, तब उसे पता था कि उसे बुलाने वाली उसकी माँ नहीं, कोई चुड़ैल है। इसलिए उसने फटाफट कहा, छोटी नाव, थोड़ी दूर तैरो, थोड़ी दूर तैरो। फिर यह नाव बाबा यागा की पहुंच से बहुत दूर जाकर तैर रही थी। चुड़ैल ने जल्द ही अनुमान लगाया कि मामला क्या था और वह एक लोहार के पास चली गई, जो जंगल में दूर रहता था। बाबा यागा ने लोहार से कहा, लोहार, मेरी बात सुनो, मेरी जितनी जल्दी हो सके थोड़ी नाजुक आवाज करो या मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। लोहार डर गया था। उसने उसकी आवाज को मधुर बना दिया और बाबा यागा वापस नदी में भाग गई। वहाँ वो किनारे के पास छिप गई और अपनी नई आवाज में पुकारा, पीटर, पीटर, अपनी नाव को किनारे ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए छोटा केक लाई हूँ। जब पीटर ने बाबा यागा की मधुर आवाज को सुना तो उसने सोचा कि यह तो उसकी माँ है। इसलिए उसने अपनी नाव से कहा, छोटी नाव, थोड़ा पास जाओ, थोड़ा पास जाओ। फिर छोटी नाव किनारे पर आई। पीटर ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि उसकी माँ कहाँ चली गई, और उसकी तलाश करने के लिए वह अपनी नाव से बाहर निकल गया। तुरंत बाबा यागा ने उस पर हमला कर दिया, साथ भगाकर ले गई और अपनी घर की ओर चली गई। वहाँ उसने उसे घर के पीछे एक पिंजरे में बंद कर दिया, जब तक वह मोटा ना हो जाए। तो वह घर में वापस चली गई और उसकी छोटी बिल्ली वहाँ थी। इसी बीच पीटर की माँ उसका इंतजार कर रही थी कि कब पीटर मछली के साथ वापस घर आएगा। फिर अंत में वह उसे देखने के लिए नीचे चली गई। वहां उसकी नाव खाली किनारे पर पड़ी थी और उसके चारों तरफ बाबा यागा के पैरों के निशान थे और पेड़ों और झाड़ियों को तोड़ दिया गया था जहां से वह दोनों गुजरे थे। तब माँ जान गई थी कि एक चुड़ैल ने उनके छोटे बेटे को अगवा कर लिया है।
वह रोते रोते घर वापस आई। पीटर की माँ के घर पर एक बहुत वफादार नौकरानी थी, और जब उस लड़की ने अपनी मालकिन को रोते हुए सुना तो उसने पूछा कि मामला क्या है। पीटर की माँ ने उसे सब कुछ बताया जो उसने नदी के किनारे देखा था, और वह निश्चित थी कि बाबा यागा पीटर के साथ कहीं छुप गई है। मालकिन, आप दुखी ना हो, मुझ में ऊर्जा बनाए रखने के लिए थोड़ा केक दे दो और मैं पीटर को ढूंढकर वापस यहाँ पर आऊंगी। पीटर की माँ को थोड़ी शांति मिली। उसने अपनी नौकरानी को एक केक दिया और लड़की पीटर की तलाश पर निकल पड़ी। वह आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर बाद वह बाबा यागा के घर पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और बाबा यागा ने उसे खोला। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? क्या तुम काम की तलाश कर रही हो या काम को टाल रही हो? मैं काम की तलाश कर रही हूँ। क्या आप मुझे कुछ करने के लिए काम दे सकती हैं? तुम मेरे घर में आ सकती हो और मेरे घर की सफाई कर सकती हो, लेकिन यहाँ कोई ताका झांकी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगी। हा। लड़की अंदर गई और घर की सफाई करने लगी, और बाबा यागा अपने झाड़ू पर सवार होकर जंगल की ओर उड़ गई। चुड़ैल के चले जाने के बाद छोटी बिल्ली ने लड़की से कहा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं भूख में तड़प रही हूँ, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। यहाँ थोड़ा केक है, मेरे पास बस ये ही है, लेकिन तुम इसे खा लो। बिल्ली ने केक लिया और उसे खा लिया। अब मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम छोटे लड़के पीटर की खोज कर रही हो। वह घर के पीछे एक पिंजरे में है, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर सकती। रात के खाने के बाद प्रतीक्षा करना, जब बाबा यागा सोने चली जाएगी, फिर उसकी आँखों को तार से रगड़ देना ताकि वह उन्हें खोल ना सके, और फिर तुम जंगल में बच्चे के साथ भाग जाना। लड़की ने छोटी बिल्ली को धन्यवाद दिया और उसके बताए अनुसार सभी चीजें करने का वादा किया। फिर बाबा यागा घर वापस आई। अच्छा, तो क्या तुम घर के चारों ओर ताका झांकी कर रही थी? नहीं नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर रही थी। बाबा यागा बैठ गई और मेज पर सब कुछ खा लिया। यहाँ तक कि हड्डियों को भी। फिर वह लेट गई और बहुत खराटे लेते हुए सो गई। लड़की ने चुपचाप थोड़ा टार लिया और चुड़ैल की पलकें बंद कर दी। फिर वह बाहर गई जहाँ पीटर था, और उसे पिंजरे से बाहर निकाला, और वह एक साथ जंगल में भाग गए। बाबा यागा बहुत देर तक सोती रही। अंत में वह जाग गई, लेकिन वह अपनी आंखें खोल ही नहीं सकी। वे तार के कारण बंद थीं। वह बहुत क्रोधित हुई। बौखलाई हुई वह चारों ओर घूमने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे पता है कि ये किसने किया है। जैसे ही मेरी आंखें खुलेंगी, मैं उसके पीछे जाऊंगी और उसे भस्म कर दूंगी। फिर उसने बिल्ली को बुलाया ताकि वो अपने नाखूनों की मदद से उसकी आंखें खोल सके। मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूंगी। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, तुमने मुझे खाने के लिए बस अपने कठोर शब्द और हड्डियां दी, लेकिन उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मुझे खाने के लिए केक भी दिया। अपनी आंखें खुद से खोलो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई सहायता नहीं मिलेगी। और फिर छोटी बिल्ली जंगल में भाग गई।
लेकिन वफादार नौकरानी और पीटर जंगल के माध्यम से सुरक्षित रूप से यात्रा कर रहे थे और पीटर की माँ अपने प्यारे बेटे को फिर से सुरक्षित घर पाकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी नौकरानी को पूरे दिल से धन्यवाद दिया और हर कोई एक बार फिर खुश था। और वो बूढ़ी बाबा यागा, खैर वह अभी भी चिल्ला रही थी और अपनी आंखें बंद करके घर में इधर उधर टहल रही थी।